नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। रीवा राजघराने के पूज्य गुरुदेव लक्ष्मण पीठाधीश्वर श्री राजगुरु स्वामी हरिवंशाचार्य जी महाराज का परमागमन हो गया। आपको बताएं कि पूज्य गुरुदेव इस दुनिया को विदा कह दिए। पूज्य स्वामी बुधवार को बीती रात 1 बजे नागपुर के हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। स्वामी जी का पार्थिव शरीर बीती रात लक्ष्मण बाग पहुंचा और भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया, जहां पर भारी संख्या में भक्त मौजूद हुए। आज दोपहर 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताएं कि महाराज जी 98 वर्ष की आयु में अंतिम सांस ली। वो बीते 40 वर्षों से लक्ष्मण बाग में मंदिर में रह रहे थे, यहाँ की पूरी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। इससे पहले 10 वर्ष तक महाराज जी गोविंदगढ़ के मंदिर में बतौर महंत रहे हैं, जिसके बाद स्वर्गीय मार्तंड सिंह द्वारा उन्हें रीवा लक्ष्मण बाग की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। पूज्य स्वामी जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर गए हैं। गुरुदेव के निधन की खबर मिलते ही सन्नाटा पसर गया और आज उनके अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग शामिल हुए, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भारी संख्या में जिले के लोग शामिल हुए। लक्ष्मण बाग में उनके संस्कार की तैयारी की गई और 12 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने की खबर जैसे ही पहुंची, इसके बाद पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। उनके चाहने वाले, उनके शिष्य देश में, पूरे देश में से आते हैं और प्रदेश सहित पूरे जिले सहित पूरे देश में उनके चाहने वाले, उनके शिष्य हैं। जैसे ही लोगों को जानकारी हुई, सब में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोगों ने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तांता लग गया। जैसे ही उनके अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा गया, दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए शामिल हुए और लोगों ने उनको अंतिम विदाई दी। जैसे ही पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला पहुँचे, शहर सहित पूरे देश से तमाम लोग उनके शिष्य पहुँचे और उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। दक्षिणतः, पश्चात, उत्तरतः, इतरतः वृत्ति ओकारं रत्नघातम् आत्माभितं महाभ्याहृत्य आत्माभितं अग्निं संस्थाप्य अक्षतपुष्पं दशपादं मूसलाय नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय।